हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में डेटा टाइप्स के बारे में। कितने डेटा टाइप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करता हूं और 2007 की बात करेंगे हम। तो ये 2007 ओपन किया है। अब डेटा टाइप को देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, ब्लैंक डेटाबेस। ये आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। मैं इसी डेटाबेस के नाम के साथ कैरी आगे बढ़ूंगा और यहां क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे व्यू नजर आएगा। यहां पर इसी नेम के साथ आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप मिलेंगे। ऑटो नंबर क्या करेगा, खुद से नंबर जनरेट करना स्टार्ट करेगा। हालांकि आप इसे खुद से भी सेट कर सकते हैं कि ये कहां से नंबर जनरेट करे और कहां तक जाए, इसे सेट किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑटो नंबर आप रख देते हैं तो ऐसे में ऑटो नंबर ये जनरेट करता चलेगा, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट डेटा टाइप है जिसमें नंबर और जो अल्फाबेट है उनका मिक्सअप आप यूज कर सकते हो। मेमो एक डेटा टाइप आपको मिल जाता है, आपने मोबाइल में भी इस डेटा टाइप का शायद पहले कभी यूज किया होगा। नंबर तो आपको खुद से नंबर टाइप करना होगा अगर इस डेटा टाइप को चूज करते हैं। तो डेट एंड टाइम आप समझ ही रहे हैं कि डेट एंड टाइम कोई भी इंसर्ट करेगा ये, ठीक है। करेंसी डेटा टाइप, करेंसी के फॉर्मेट में जैसे रुपीज का सिंबल क्या होता है, डॉलर का सिंबल क्या होता है, उस सिंबल के साथ यहाँ पे अमाउंट को दिखाएगा, ठीक है। ऑटो नंबर मैं बता ही चुका हूँ। यस और नो डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो काफी यूजफुल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, और यस और नो डेटा टाइप का यूज करके आप काफी सारी चीजें सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, ठीक है। ओएलई ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पिक्चर्स को इंसर्ट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। हाइपरलिंक, जैसे आप ईमेल आईडी दे रहे हो तो ईमेल आईडी हाइपरलिंक्ड होता है। अगर आप उस ईमेल आईडी पे क्लिक करते हो तो सीधा उस ईमेल आईडी पे जा सकते हो, यानी ईमेल खुल जाएगा, आपका कहने का ये मतलब है, ठीक है, यानी लिंक कर देता है, ये हाइपरलिंक डेटा टाइप। अटैचमेंट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जैसे स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट का, तो उसमें आप अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज करके फिगर लगा सकते हो बच्चों का, ठीक है। या फिर जिस भी चीज का बना रहे हो, चाहे आप शॉपिंग मॉल का ही सॉफ्टवेयर क्यों ना बना रहे हो, उसमें आप उस प्रोडक्ट का फिगर आप दिखा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। लुकअप विजर्ड, लुकअप विजर्ड भी एक डेटा टाइप है जो ड्रॉप डाउन वगैरह बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये सारे डेटा टाइप किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 के, ठीक है ना। ओके,